हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल चामलिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपको एक नया वीडियो लेके फिर उपस्थित हुआ हूँ आप सबके सामने। आज मैं बताने वाला हूँ कि स्पीकर, पुराना स्पीकर किस प्रकार बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मेरे पास एक पुराना स्पीकर है पड़ा हुआ। इसको सबसे पहले हमको साफ़ कर लेना होता है, नीट एंड क्लीन। देखिए ये ऊपर में पूरी तरह से कचरा लगा हुआ है, इसके चारों तरफ, इसके बाहरी पोजीशन में जहाँ पे पेपर हम लोग का लगा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है जो। और इसको साफ़ करने से पहले इसके सेंटर में जो हॉल होता है, जहाँ पे कॉइल लगा हुआ रहता है, उस कॉइल सेंटर हॉल को जो है पूरी तरह से एक पेपर लेके कवर कर देते हैं, चूँकि उसमें कोई गंदा उंदा ना ही जाए कह के। देखिए कुछ इस तरह से हम उसमें पेपर डाल दिए हैं और चाकू की सहायता से इसे जल्द से जल्दी 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 से इसे साफ़ कर लेते हैं। देखिए ऊपर भी और नीचे भी साफ़ कर लेते हैं और अपना देखिए इस तरह से साफ़ हो गया है। और अब बारी आती है सेंटर वाला जो वॉइस कॉइल जहाँ पे रहता है कॉइल, उस जगह को साफ़ करने की। देखिए तो मैंने पीवीसी लिया है, आपको 10 नंबर पीवीसी है ये। इस पीवीसी से आपको उस हॉल को साफ़ करना होता है। देखिए इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है दोस्तों। देखिए चूँकि इसी के अंदर कॉयल अपना जो है ऊपर नीचे करता है और जिससे आवाज़ आता है आपको, इसे इसको बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन एकदम आराम से साफ़ करना होता है, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए अपना इस स्पीकर में जो पूरा सामान लगेगा अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक देखिए यहाँ पे वॉइस कॉइल है, ये इसको कॉइल या वॉइस कॉइल भी बोल सकते हैं चूँकि आवाज़ निकलता है। देखिए ये कैप है, डस्ट कैप, इसका टोपी जो होता है ऊपर से लगने वाला, और ये स्पाइडर, ये जंपिंग वायर दो टुकड़ा, ये बिल्कुल जंप करते रहता है इसीलिए इसे जंपिंग वायर कहते हैं, जम करने के बावजूद भी नहीं टूटता है ये जल्दी। और ये अपना पेपर कौन कौन पेपर, ये साइज़ के अनुसार जो है, ये सभी सामान स्पीकर के साइज़ के अनुसार अलग अलग होता है। देखिए अब इसको जो है इस कॉइल को हमको करना क्या होता है कि इसे जो है कुछ हद तक सीधा कर लेना होता है। इसका एक जुगाड़ होता है जो कि अभी मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। देखिए तो मैं एक एलुमिनियम वाली पाइप है उसकी सहायता से मैं इसे हल्का हल्का सीधा कर लेता हूँ, चूँकि ये पूरी तरह से राउंड हो जाए और पूरी तरह से गोल गोल शेप में आ जाए, गोल हो जाए और उस होल में जो है आराम से ऊपर नीचे करिए, ये कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, कहीं भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए। देखिए तो मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे एक पेन की सहायता से जहाँ तक अपना कॉइल लपेटा हुआ है या कॉइल है, अंदर भाग से अंदर की तरफ से जो है उसे मार्क कर देते हैं, अंदर की भाग से मार्क करना होता है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा कारण है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब जो मैं इसके अंदर कॉइल डालूँगा या इसको एडजस्ट करूँगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कॉइल कितने जगह पे या कितने दूर में एडजस्ट होना है या एडजस्ट हुआ है, इसलिए ये इंडिकेशन के लिए मैंने पेन की सहायता से वहाँ पर इंडिकेट कर दिया जो हाँ यहाँ यहाँ से आपका कॉइल है, यहाँ से नीचे आपका कॉइल है कह के। तो जहाँ से मैंने मार्क किया था ठीक उस वो मार्क, वो वाला मार्क जो है आपको, वो वाला निशान जो है दिखाई देना चाहिए ऊपर से कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, पेन पेन से जो मैंने मार्क किया था वो मार्क ऊपर से दिखाई देना चाहिए पूरा क्लियर, तभी जो है आपका ये कॉइल सेटिंग होगा, सेट होगा और तभी आपका आवाज़ अच्छा बनेगा, अच्छा आएगा। देखिए अपना स्पाइडर और कॉइल का सेटिंग कर दिए हैं, अब इसको जो है चिपका रहे हैं एक ग्लू की मदद से। मेरे मेरे पास हैक्सॉन कंपनी का है, आप सन फिक्स, बॉन फिक्स या कोई भी फिक्स ले सकते हैं आप। तो देखिए मैंने इसे ऊपर की तरफ चिपका दिया है और इसको कॉयल, इसका कॉयल और स्पाइडर को चिपकाने के लिए मैं एक स्पेशल ग्लू का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है बोनटाइट। ये 5 मिनट में
दो तरह का आता है ये देखिए, ये लेट वाला भी आता है, एक फास्ट वाला भी आता है। लेट वाला से आपको 24 घंटा चाहिए और फास्ट वाला से मात्र 5 मिनट आपको वेट करना होगा, पूरा काम तमाम कर देगा ये, पूरी तरह से चिपक जाएगा और हार्ड हो जाएगा। देखिए दो तरह का है, मतलब ट्यूब होता है इसमें, और दोनों ट्यूब में थोड़ा थोड़ा निकाल के देखिए इस तरह से मैंने मिला के रेडी कर दिया, और स्पाइडर और कॉइल के बीच में मैं डाल देता हूँ इसे। क्योंकि मेन अपना जो मेन प्रेशर, या मेन प्रेशर ही बोला जाए, मेन प्रेशर जो स्पीकर और कॉइल के बीच में पड़ता है वो इसी पोजीशन में पड़ता है। यदि आपका ये पूरी तरीके से हार्ड टाइट, हार्ड चिपका हुआ नहीं रहेगा तो कॉइल निकलने का, बाहर आने का डर रहता है, इसीलिए इसे जो है थोड़ा सा हार्ड मटेरियल से हम चिपका देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए अपना जो बाहरी पोजीशन वाला, ऊपर वाला बाहरी पोजीशन में जो जहाँ पर स्पीकर का पेपर जो है चिपकाना है, वहाँ पे हम ग्लू लगा रहे हैं, सनफिक्स लगा रहे हैं, एक्सोन लगा रहे हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं अब डायरेक्ट इसका पेपर लगा रहा हूँ। और दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैंने अभी जस्ट स्पीकर या पेपर को चिपकाने के लिए बाहरी पोजीशन में मैंने ग्लू लगाया था, सनफिक्स लगाया था, उसे तुरंत लगा के तुरंत मत चिपकाइएगा, इससे जो है थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब दिक्कत होता है, मैं बाद में बताऊँगा। देखिए तो इस तरह से जो है मैंने इसे डाल दिया है, और चारों तरफ उंगली की सहायता से जो है इसे थोड़ा थोड़ा हल्का 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 चारों तरफ से दाब देंगे, दबा देंगे। अब देखिए दोस्तों इसका कनेक्शन के लिए, कनेक्शन वायर के लिए जो है, जंपिंग वायर के लिए दो छेद जो दो होल कर देते हैं इसे, इस पेपर में जो है दो होल कर देते हैं ठीक अपना टर्मिनल के सामने में, और दो और इसे जो है वॉइस कॉइल से जो अपना दो कनेक्शन वायर निकलता है, दो वायर निकलता है वॉइस कॉइल से, कॉइल से उसे जो है इस जंपिंग वायर से एक एक करके दोनों में जोड़ देते हैं, सोल्डिंग वायर की, सोल्डिंग आयरन की सहायता से, सॉरी सोल्डिंग आयरन की सहायता से इसे जोड़ देते हैं दोनों कॉइल के वायर को, दोनों वायर को कुछ इस तरह से। देखिए आपको इसमें सोल्डिंग आयरन की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक मैंने जोड़ दिया और दूसरा जोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों कहीं कहीं पर क्या हुआ है कि आपको वीडियो का स्पीड जो है मैंने बढ़ा दिया था, क्योंकि इससे वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने कहीं कहीं पर वीडियो का स्पीड बढ़ा दिया है। तो देखिए अपना इस तरह से जो है सोल्डिंग हो चुका है जंपिंग वायर और क्वाइल के वायर के बीच, देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। अब जंपिंग वायर का दूसरा टर्म छोर जो बचता है वो स्पीकर का टर्मिनल पे जोड़ना है उसको, देखिए कुछ इस तरीके से जोड़ देते हैं, बहुत सिंपल है जोड़ना ये। आपको मेन ट्रिक जो था वो ट्रिक मैं ऊपर में ही बता चुका हूँ, अब छोटा छोटा काम बच गया है वो कर लेते हैं। देखिए देखिए कुछ इस तरह से जो है हमने जोड़ दिया है, और जंपिंग वायर कुछ लंबा है तो कोई बात नहीं, इसे जोड़ने के बाद जो है कटर की सहायता से काट देंगे, काट देते हैं कटर की सहायता से। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। जी दोस्तों यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, यदि पुराने हैं तो लाइक शेयर, जितना हो सके शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बगैर जो है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, और साथ में कमेंट भी कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई कहीं पे किसी भी वीडियो में, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़
प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो देखिए कुछ इस तरह से अपना जुट जाता है और इसे जो बाहर निकला हुआ जंपिंग वायर है उसे कटर की सहायता से कट कर देते हैं। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको आपसे वादा करता हूं कि इसी तरह से आपको नया नया वीडियो, नया इंटरेस्टिंग वीडियो, नया नया रिपेयरिंग टिप्स मैं प्रत्येक वीडियो में अलग अलग नया नया बताते रहूँगा। और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी से आपको नया नया नोटिफिकेशन, नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना आपको मिलेगी, जानकारी मिलेगी। देखिए दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमने जंपिंग वायर जो था अपना निकला हुआ बाहर थोड़ा सा उसको कट कर दिया, और फाइनली अंतिम में जो है वॉइस कॉइल कॉइल और पेपर के बीच में जो है ग्लू लगा रहे हैं, हेक्सन सनफिक्स लगा रहे हैं इसमें। फाइनली इसको चिपकाने के लिए, और साथ ही जो अपना जहाँ पे मैंने सोल्डिंग किया था, जो हमने सोल्डिंग किया था यहाँ पे कॉइल और जंपिंग वायर के बीच, वहाँ पर भी मैं वही ग्लू इस्तेमाल करने वाला हूँ, हार्ड ग्लू जी इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो हार्ड ग्लू आप देख रहे हैं वीडियो में, हार्ड ग्लू इस्तेमाल कर दिया हूँ। इस ये भी पूरी तरीके से टाइट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए पूरी तरीके से, इसीलिए जो है इसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वही ग्लू बॉन्ड टाइट, आप भी इस्तेमाल कीजिए। और फाइनली अंतिम प्रोसेस में, बिल्कुल अंतिम प्रोसेस में हम आ चुके हैं इसका डस्ट कैप, या कैप भी बोलते हैं इसको, डस्ट कैप जो है इसको लगा देना है ऊपर से, एकदम डस्ट कैप में ग्लू लगा के इसको चिपका देना है, ताकि जो है गंदा बाहरी गंदा बाहर वाला जो गंदा होता है वो इसमें नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें ग्लू लगा दिया है और इसको चिपका देता हूँ मैं, बीच सेंटर में होना चाहिए ये, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फाइनली इसे हम चिपका देते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि पुराने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, ग्रुप में, जहाँ जहाँ हो। अब देखिए दोस्तों, इसे मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ बैटरी की सहायता से। जो अपना स्पीकर से तार निकलता है दो, वो बैटरी में डायरेक्ट जोड़ते हैं, और जोड़ने पे पता चलता है कि ये स्पीकर अपना ऊपर नीचे होता है, तो मेरा स्पीकर बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग टेक्निकल चैमलिंग यूट्यूब चैनल।